मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज गंगानगर चातुर्मास पूर्ण करने के पश्चात ग्राम दर ग्राम विचरण करते हुए उग्र विहार करते हुए बीते दिनों गुरुणी जी महाराज के पावन चरणों में दर्शन हेतु हैबवा लुधियाना पहुँचे, जहाँ से वह विहार कर जनता नगर जैन स्थानक विराजमान है। महासाध्वी जी जनता नगर जैन स्थानक में कुछ दिन रुकने का मनोभाव रखते हैं, जहां उनकी पावन निश्रा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संघ परिवर्तनी जैन भारती जिन शासन गौरवमणि श्री सुशील कुमारी जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज अपनी सुशिष्याओं श्री संचिता जी महाराज श्री श्रुति जी महाराज श्री सिद्धि जी महाराज और श्री समृद्धि जी महाराज सहित गंगानगर चातुर्मास पूर्ण करने के पश्चात ग्राम दर ग्राम विचरण करते हुए उग्र विहार करते हुए बीते दिनों गुरुणी जी महाराज के पावन चरणों में दर्शन हेतु हैबवा लुधियाना पहुँचे। महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज ठाणे 5 हैबवा से विहार करके जनता नगर जैन स्थानक में विराजमान हैं, जहां वह कुछ दिन रुकने का मनोभाव रखते हैं। महाराज की पावन निश्रा में आज प्रवचनों सहित पाठ का आयोजन किया गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। चरित्र चूड़ामणि सेम मेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारे जहां में जाकर ढूंढ लेना, सारे जहां में जाकर ढूंढ लेना, मेरी गुरनी जैसा कोई और नहीं, मेरी गुरनी जैसा कोई और नहीं। बंधु, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि क्षमता विभूति महान साध्वी श्री सुचेता जी महाराज ठाणे 3 गंगानगर चातुर्मास संपन्न कर लंबे लंबे विहार कर हैबवाल में विराजमान जिन शासन गौरवमणि जैन भारती संघ प्रवर्तनी मम गुरुनिवरिया श्री सुशील कुमारी जी महाराज के श्री चरणों में पहुँचे। 3 दिन मैं नरेश चंद जैन प्रधान एस एस जैन सभा जनता नगर, मेरे साथ में खड़े समाज सेवा कमेटी के चेयरमैन ज्ञान चंद जी अग्रवाल, हमने पिछले दिनों महासाध्वी सुशीला जी महाराज के पास विनती के लिए गए थे चातुर्मास में नूरेवाड़ा रोड पे। तो गुरु महाराज ने कहा था भी हम जनता नगर पधारेंगे, तो गुरु महाराज का कहीं और विहार था, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी सुशिष्य को आज्ञा दी है, अब वो महाराज जनता नगर में पधार गए हैं। तो महाराज जी कल जनता नगर से कल सुबह हैबवाल से बिहार करके जनता नगर पधारे हैं। तो आज से 8:30 से 9:30 कथा हो जाती है, डेली प्रवचन का टाइम यही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि दर्शनों के लिए आए, हमें भी सेवा का मौका दें। गुरु महाराज का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। गुरु महाराज ने बहुत लंबे लंबे विहार करके राजस्थान श्री गंगानगर से अपने गुरुनी जी के चरणों में आना था और साथ साथ धर्म लाभ क्षेत्रों को फंसने का गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी है। सभी क्षेत्रों में फंसते हुए आज हमारे जनता नगर में बड़ी कृपा करी गुरुदेव ने, हम गुरुदेव का बहुत आभार। सिद्धा सरनंग पर जमी, साहू सरनंग पर जमी, केवलिपना तो धमो सरनंग पर जमी, अरिहंता जी का सरना, सिद्धा जी का सरना, साधा जी का सरना, केवलिप रूपी ध्या धर्म का सरना, ये चार सरने दुख हरने मंगल करने। बोल भगवान। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रांतीय सभा ब्लॉक डावा ग्यासपुरा लुधियाना में 13वां विशाल माँ भगवती जागरण 2 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। समस्त सदस्यों एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन शर्मा ने आज होटल हॉलमार्क रेजेंसी में भगवती जागरण की प्रचार सामग्री जारी की
और मां भक्तों को निमंत्रण दिए। हिमाचल प्रांतीय सभा ब्लॉक डाबा ग्यासपुरा की ओर से 13वां विशाल मां भगवती जागरण 2 दिसंबर को डाबा रोड लुधियाना में करवाया जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश के महान कलाकार वंदना छिमान, ओम प्रकाश चंदेल, टी सीरीज के कलाकार गुणगान करेंगे। समस्त सदस्यों एवं राष्ट्रीय अध्यक्षों पवन शर्मा ने आज होटल हॉलमार्क रेजेंसी में भगवती जागरण की प्रचार सामग्री जारी की और मां भक्तों को निमंत्रण दिए। मंडल प्रधान मुकेश शर्मा व मंडल चेयरमैन ने बताया, जागरण में पंजाब हिमाचल से कई महान नेता समाज सेवक विशेष रूप से पधार रहे हैं। इस जागरण में झांकियों का नजारा देखने योग्य होगा। मैं पवन शर्मा, हिमाचल प्रांतीय सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी से अपील करना चाहूंगा कि 2 दिसंबर को हिमाचल प्रांतीय सभा डाबा गैसपुरा लोहारा मंडल की ओर से डाबा में 13वां विशाल भगवती जागरण बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश के महान कलाकार वंदना धीमान और ओम प्रकाश चंदेल जो वहाँ पे विशेष रूप से पहुंच रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश से कई भी राजनीतिक नेता और लुधियाना शहर के भी कई महानुभाव धार्मिक एवं राजनीतिक नेता इस कार्यक्रम जागरण में पहुंच रहे हैं। सभी माँ के भक्तों से यही अपील है कि इस जागरण में पहुंच करके माँ का आशीर्वाद लें। इसमें महामाई ज्वाला जी से ये जो अखंड ज्योत है वो हमारे जो भगत जन है वो लेकर के आएंगे। उसके दर्शन करने के लिए सभी डाबा गैसपुरा लोहारा में पहुंचे और माँ भगवती के जागरण में पहुंच करके माँ का आशीर्वाद लें। सभी से मेरी ये बार बार अपील है, हिमाचल पंथी सभा के सभी ब्लॉक सिविल लाइन मंडल डाबा गैसपुरा जमालपुर कैलाशनगर अपरा बीआरएस नगर और सभी जो हिमाचल वासी हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है इस जागरण में 60,000 और 70,000 भक्तों के आने का जो प्रबंध है वो हमारे डाबा गैसपुरा के प्रधान मुकेश शर्मा जी और मंडल प्रधान श्यामला डोगरा जी ने अपनी टीम के साथ जो है वो दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। मैं फिर से सभी को ये अपील करना चाहूंगा कि 2 दिसंबर शनिवार को लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव जी का गुरुपुरब समागम आज गुरुद्वारा सिंह सभा न्यू शिवपुरी सिखेवाल में बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस आयोजन में दूर दूर से आए सैकड़ों भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा सिंह सभा न्यू शिवपुरी सिखेवाल में आज ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव जी का गुरुपुरब समागम बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस आयोजन में दूर दूर से आए सैकड़ों भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शब्द कीर्तन के आयोजन के साथ आई हुई संगत के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा श्रोमणी भगत बाबा नामदेव महाराज की। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव श्री श्रोमणी भगत बाबा नामदेव महाराज की। जो कि बाबा नामदेव जी, ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव जी का समागम गुरपुरब हर साल की तरह संगतां दे प्यार ते उत्साह नाल बड़े धूमधाम नाल हर साल की तरह मनाया जा रहा है। इस साल भी गुरद्वारा सिंह सभा सिखेवाल विच संगतां दे सहयोग दे नाल बड़ा धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जो कि दूरों दूरों संगतां इस समागम दे विच पहुंचियां ने। ते इस मौके ते गुरु जी का तुट लंगर भी वरताया जा रहा है। मैं सारी संगत दा आए हुए संगत दा पप्पी कैंत सीनियर वाइस प्रधान बाबा नामदेव सभा वालों आई हुई सारी संगत दा धन्नवाद करदा हाँ। ते सारी संगत नूं बेनती करदा हाँ कि हर साल की तरह इस साल भी ते अग्गे तो भी हर साल जो बाबा नामदेव जी दा गुरपुरब बड़े प्यार ते सत्कार नाल मनाया जाता है, तो उस दे विच समूह संगतां दर्शन देन। बोल बाबा नामदेव महाराज की। श्रोमणी भगत बाबा नामदेव महाराज की जय। संत श्रोम। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ।
जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्माराम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। श्री पद्मावती तरुणी मंडल सुंदर नगर द्वारा श्री पद्मावती सदार्मिक उत्सव दिनांक 17 दिसंबर दिन रविवार को लुधियाना के लक्ष्मी पैलेस में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मनाया जा रहा है। उत्सव के मुख्य आकर्षण केंद्र टिकट मात्र 30 रुपए, टिकट एडवांस में खरीदने पर एक सरप्राइज गिफ्ट सहित खूबसूरत सभ्याचारक कार्यक्रम और 1 मिनट के खेलों के साथ अन्य कई लक्की गिफ्ट भी होंगे। मुख्य अध्यक्षता एवं गौरवमयी ध्वजारोहण लाभार्थी परिवार श्री रोशन लाल शीलवंती जैन के वंशज श्री प्रेमचंद त्रिशलावंती जैन, मंगलमयी माल्यार्पण लाभार्थी परिवार श्रीमती कमलावती जैन पत्नी लाहौरी राम जैन, पवित्र पावन ज्योति प्रज्वलन लाभार्थी परिवार श्री फग्गूमल श्री कश्मीरी लाल, प्रतिभाशैली पुरस्कार वितरण लाभार्थी परिवार रमेश जैन श्री मेहर चंद। ओमिक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमिक्स महावीर टावर्स। ओमिक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, हौसलो और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है। लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। आप सबका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की। न्यू टैगोर नगर हैबवाल कला स्थित शर्मा निवास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 23 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा रहा है। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में देवदत्त शास्त्री जी महाराज द्वारा कथा व्यास की जा रही है। न्यू टैगोर नगर हैबवाल कला स्थित शर्मा निवास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 23 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा रहा है। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में देवदत्त शास्त्री जी महाराज द्वारा कथा व्यास की जा रही है, जिसमें सभी इलाका निवासियों सहित शहरवासियों ने भाग ले भक्ति रस का आनंद लिया। कोई भगवान के लिए कमंडलू लेकर आया है, यानी जिसका जैसा भाव था वैसे भाव के अनुसार भगवान के लिए कुछ ना कुछ लाया है, क्योंकि सबके भाव की परीक्षा भगवान करते हैं।
किसी और स्थान में मनुष्य जाता है तो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा भी करता है वैसा भी करता है, लेकिन जब भगवान के दरबार में आना हो, भगवान के सत्संग में आना हो, तो मनुष्य का जो भाव है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दरबार ही ऐसा है, इसमें साधारण कोई आ नहीं सकता और कुछ साधारण व्यक्ति इसमें कोई सत्कर्म नहीं कर सकता है। जैसे कि कल भी मैंने आपसे बताया था कि धर्म के लिए पैसा धन निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन हम फल चाहते हैं बहुत बड़ा, भगवान हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हमारी ये भी कामना पूर्ण हो जाए, तब भगवान भी हंसते, भैया देखो तो सही, जब मेरी बारी आती है तो मेरे लिए ये कुछ रह जाता है और जब अपनी बारी आती है तो बड़े बड़े भोग मांगता है, बड़े बड़े साधन मांगता है, कभी जीवन में दुख ना आए, सुख ही सुख बना रहे। तो वामन भगवान का सबने सम्मान किया। कुछ दिनों के बाद भगवान वामन थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष के बालक बन गए। तभी ध्यान आया, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे कुछ करना है, राजा बलि के पास चलना है। आज भगवान ने वो सारे आभूषण धारण कर लिए, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, कानों में रुद्राक्ष पहन लिए, हाथ में एक छाता पकड़ लिया, दूसरे हाथ में कमंडलू पकड़ लिया है, और सुना है क्या कि राजा बलि इस समय बहुत बड़ा यज्ञ रच रहे हैं। आज राजा बलि के उस यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो गए वामन भगवान। बड़ा सुंदर उस समय का भाव, कितनी सुंदर झांकी होगी यदि हम विचार करें, ध्यान लगाएं भगवान वामन का, तो हमें वो झांकी हमारे आंखों के सामने आ जाती है कि कितना सुंदर स्वरूप है छोटे से वामन भगवान, कैसे चल पड़े हैं राजा बलि के उस द्वार पर। आइए कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करें और कहें क्या, अरे खड़ा भगवान रे, तेरी बारी खड़ा भगवान भगत भर श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शर्मा निवास न्यू टगोर नगर, पंडित श्री देवदत्त शास्त्री जी वालों अज लगातार एक हफ्ते तो चल रही भागवत कथा जी का अज भोग चौथा दिन है, तो उस विच पंडित देवदत्त शास्त्री जी बड़े ही प्यार ते बड़े ही भावना दे नाल भगतां नूं अज कथा दे नाल कथा सुना के उन्हां नूं उन्हों का जीवन जो है धन कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी की इस कथा सुन के सारे भगतों के बड़ी श्रद्धा है, बड़ा वधिया वेखन मिल रहा उन्होंने उत्साह, तो मैं सरवण अत्री उन्हों की श्रद्धा को प्रणाम करदा है, पंडित देव दत्त शास्त्री जी को प्रणाम करदा है, जेडे समाज में यहोजे माहौल दे विच अजकल दे माहौल दे विच जेडे धर्म दे नाल जोड़ के उन्होंने समाज दे विच चंगी सेध दे रहे हैं, उन्हों का धन्यवाद। शर्मा निवास जी का धन्यवाद जिथे कीर्तन दरबार सजा है भगवान श्री कृष्ण जी का। तो जे असी सोचिए तो कृष्ण भगवान जी की बहुत वड्डी देन है समाज में, क्योंकि जिस टाइम कौरवों ने रा अत चक्की हुई सी राज करके, जदों द्रौपदी वस्त्र हरण होया, जदों पांडवों के नाल धक्का होया, तो कृष्ण भगवान जी ने अपना राजपाठ त्याग के पांडवों का साथ दिता, उन्होंने उन्हां दा राज स्थापित करन लई कौरवां दे राज नूं उन्हां नूं उन्हां दा नाश करन दे लई कृष्ण भगवान जी ने अर्जन दा रथ चलाया, उहदी ड्राइवरी कीती, ते इह समाज दे लई उन्हां ने कुरबानी कीती है। सानूं कृष्ण भगवान जी दी इस कुरबानी नूं याद करके आपस दे विच सारे धर्मां नाल नूं प्यार दे नाल रहना चाहीदा है।
ते जो मनुख नर सेवा नारायण सेवा दा जेड़ा कृष्ण भगवान जी ने एक प्रचार किया वो प्रचार नू अमल लिया के सानू सारे नू आपस दे विच प्यार ना रहना चाहिदा है। ते अंत दे विच मैं कृष्ण भगवान जी दी भागवत कथा जी नू प्रणाम करदा ते धन्नवाद करदा न्यू टगोर नगर नगर वाले शर्मा निवास जी का पंडित देवदत्त शास्त्री जी का जिन्हां ने सानू ये कथा सुना के साडा जीवन सफल किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभिभावकों का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, जिसके लिए अभिभावक कई तरह के प्रयास करते हैं। राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से भी हर किसी को शिक्षा के अधिकार जैसे दावे किए जाते हैं, शिक्षा अधिकारों को लेकर जारी किए जाते हैं, लेकिन नाभा में स्थित दावों के उल्ट नजर आती है। दरअसल नाभा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां के नौनिहालों के स्कूल तक पहुंचने के लिए रेलवे ओवरब्रिज ना होने की वजह से रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इन कॉलोनियों में सरकारी स्कूल नहीं है और जाने के लिए रेल फाटक का रास्ता अख्तियार करना हो तो वह लंबी दूरी का है। ट्रैक से या तो कभी खड़ी ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डाल निकलते हैं। इन स्कूली बच्चों को रेल ट्रैक पार करते देख सरकारों के दावों की हवा निकलती नजर आती है, वहीं हादसे का अंदेशा भी हर वक्त बना रहता है। नामा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने कई कॉलोनियां संत नगर, नराता कॉलोनी, भारत नगर, अजैब कॉलोनी और A1 कॉलोनी है, जहां से नौनिहाल रोजाना सुबह सुबह मजबूरन रिस्क लेते रेलवे ट्रैक पार कर करीब 2 किलोमीटर सरकारी स्कूल तक पहुंचते हैं, जिसके लिए रेल ट्रैक से खतरा मोल लेकर स्कूल जाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। यही सिलसिला स्कूल छुट्टी पर जारी रहता है। इन कॉलोनियों में इक्का दुक्का ही प्राइवेट स्कूल है। हालांकि कॉलोनी एसोसिएशन की तरफ से रेलवे विभाग को ओवरब्रिज और शिक्षा विभाग को इस एरिया में स्कूल खोलने के लिए लिखा जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस है। कॉलोनियों के बाशिंदे भी गुजरने के लिए ज्यादातर रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। इन कॉलोनियों के बाशिंदों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना जरूरी है, लेकिन नजदीक कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इसलिए मजबूरन रेल ट्रैक के रास्ते होकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल जा रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें मजबूरन इस रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है, डर तो लगता है लेकिन जाना पड़ता है। दूसरी ओर रेलवे अधिकारी जंग बहादुर का कहना है कि रेलवे विभाग की तरफ से डबल ट्रैक करने को लेकर काम शुरू हो चुका है और दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने के साथ ही ओवरब्रिज का काम भी प्रपोजल में शामिल है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सरकार तो यही मांग करते हैं, देखो एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए, पुल चाहिए, ब्रिज चाहिए, एक प्लेटफॉर्म और चाहिए। कई बार क्रॉसिंगा पैंदियां ट्रेन दियां तो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, पैसेंजर इतने वाधू हो जाता है, क्योंकि ट्रेन इतने लिमिटेड जी ने 10 ट्रेन है, क्योंकि इंटरसिटी कई बार लेट होंगी, अज भी लेट है 1 घंटा 20 मिनट, तो आने वाले समय से अज की डेट के हरिद्वार वाली लेट है 4-5 घंटे। तुम ये समझ लो भी जो हरिद्वार जाना है तो 5 घंटे की देरी के होर पैसेंजर भी तैयार हो जाते हैं, तो उस समय रश बहुत वध जाता है, तो लोगों को परली लैन जाना पैंदा है, तो उधरों क्रॉसिंग पै जाती है, तो इस कारण एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो सरकार तो यही मांग करते हैं भी ये एक ओवरब्रिज बना। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। बीते 25 नवंबर को कुछ निजी अखबारों में AAR जैन स्कूल की KG क्लास के बच्चे के साथ 8वीं कक्षा के विद्यार्थी द्वारा छेड़छाड़ के छपी कपड़ों को स्कूल मैनेजमेंट में बेबुनियाद और झूठी बताया है। गौरतलब है कि स्कूल के गेट से लेकर हर कोने में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें ऐसी कोई भी घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। डेराबसी में बीती 25 नवंबर को कुछ निजी अखबारों में AAR जैन स्कूल की KG क्लास की बच्ची के साथ 8वीं कक्षा के विद्यार्थी द्वारा छेड़छाड़ की छपी खबरों को स्कूल मैनेजमेंट ने बेबुनियाद और झूठी बताया है। गौरतलब है कि स्कूल के गेट से लेकर हर कोने में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें ऐसी कोई भी घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है और ना ही ऐसी घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। स्कूल की प्रिंसिपल ईशा शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अगर कुछ भी घटना घटी होती तो स्कूल स्टाफ या अन्य किसी कर्मचारी को भी इसकी भनक होती। स्कूल के बीच में इंसिडेंट हुआ और बात हुई है कि किसी लड़की, छोटी नर्सरी क्लास की लड़की के साथ किसी ने कोई गलत वारदात की है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बहुत अफसोस हुआ मैंने जब ये प्रिंट मीडिया में कल पढ़ा, क्योंकि इस तरह की कोई भी वारदात हमारे स्कूल में नहीं हुई है और मुझे अफसोस है कि पता नहीं किस मतलब कि इंटेंशन से इस तरह के स्कूल की बदनामी की गई है।
हमारे स्कूल में हमने हर तरह का जो भी CBSE गाइडलाइंस देती है हर तरह की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और बकायदा सर्वेलेंस रहती है टोटली जब तक बच्चा हमारे पास रहता है और पूरा वॉशरूम्स के आगे हेल्पिंग स्टाफ लगा हुआ है जो कि फीमेल है हमारा और दो बच्चों से कम हम क्लास से बाहर नहीं निकालते हैं। बड़ी होता है उसके साथ जाता है कि अगर एक बच्चे के साथ कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो तो दूसरा अलार्मिंग उसकी अलार्म क्रिएट कर ले तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम स्कूल में नहीं है। मोहाली से मदन शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना के सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल के न्यूनेटोलॉजी विभाग की ओर से बच्चों के डॉक्टर्स व नर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस विशेष ट्रेनिंग में दिल्ली अहमदाबाद सूरत व बेंगलुरु से आए न्यूबॉर्न एक्सपर्ट्स ने इन्हें ट्रेनिंग दी। लुधियाना के सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल के न्यूनेटोलॉजी विभाग की ओर से बच्चों के डॉक्टर्स व नर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस विशेष ट्रेनिंग में दिल्ली अहमदाबाद सूरत व बेंगलुरु से आए न्यूबॉर्न एक्सपर्ट ने उन्हें ट्रेनिंग दी। पंजाब हरियाणा व राजस्थान से आए बच्चों के डॉक्टर्स और नर्स ने इस विशेष ट्रेनिंग में भाग लेकर नवजन्मे बच्चों और उसकी मां की देखभाल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। हेल्थ कंसल्टेंट SPS हॉस्पिटल विच वर्कशॉप विच असी हिस्सा लिया है जिहड़े कि न्यूबॉर्न नवजात शिशु नु किस तरह हैंडल करना है बर्थ दे टाइम ते उहदी जिहड़ियां भी कॉम्प्लीकेशनस आंदियां ने जिहड़ियां भी ज़्यादा दिक्कतां बच्चे नु हुंदियां जिस तरह साह ना लैंदा बच्चा ठीक तरह नहीं लै पाता या उसनों दुध दिंदे आ ते बच्चे का पेट फुल जाता है उहदी उस कंडीशन विच आपां नु बच्चे की किस तरह इलाज करना चाहिए या वह कंडीशन को किस तरह रोकथाम करना चाहिए उहदे वास्ते आपां नु हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्थे ऑर्गनाइज करवाई सी जिसका नाम NEST है। उहदे विच अपने को जिहड़ी मैंबर आए सीगे फैकल्टी दे वो दिल्ली तो आए सी गुजरात तो आए सी बैंगलोर तो आए सीगे ते उन्होंने सारे ने मिल के आपां ने एज अ टीम अराउंड 50 डेलीकेट्स साडे कोल आए है उन्होंने ट्रेन किया गया है ताकि अगे जाके वो न्यूबॉर्नस भी जिहड़े नवजात शिशु है उन्होंने चंगी तरह केयर कर सकन ते उन्होंने ये प्रॉब्लम जिहड़ियां हुंदियां ने दिक्कतां हुंदियां उन्हां विचों कढ सकन उन्हां दा सर्वाइवल बैटर हो सके उस ज़्यादा परसेंटेज विच ज़्यादा मात्रा विच बचाव हो सके इस करके साडा ये उद्देश्य सी। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा के लिए आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। दुक्कुंड चिया सीड्स और किनुआ पौष्टिक तत्वों से भरपूर आपके व आपके परिवार की संपूर्ण सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध या अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9814034561 टोल फ्री नंबर 1800843456 1। दुक्कुंड इंडिया लाइफ सिंप्लीफाइड। श्री पद्मावती तरुणी मंडल सुंदर नगर द्वारा श्री पद्मावती सदार्मिक उत्सव दिनांक 17 दिसंबर दिन रविवार को लुधियाना के लक्ष्मी पैलेस में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मनाया जा रहा है। उत्सव के मुख्य आकर्षण केंद्र टिकट मात्र ₹30। टिकट एडवांस में खरीदने पर एक सरप्राइज गिफ्ट सहित खूबसूरत सभ्याचारक कार्यक्रम और एक मिनट के खेलों के साथ अन्य कई लक्की गिफ्ट भी होंगे। मुख्य अध्यक्षता एवं गौरवमयी ध्वजारोहण लाभार्थी परिवार श्री रोशन लाल शीलवंती जैन के वंशज श्री प्रेमचंद त्रिशलावंती जैन मंगलमयी माल्यार्पण लाभार्थी परिवार श्रीमती कमलावती जैन पत्नी लाहौरी राम जैन पवित्र पावन ज्योति प्रज्वलन लाभार्थी परिवार श्री फग्गुमल श्री कश्मीरी लाल प्रतिभाशैली पुरस्कार वितरण लाभार्थी परिवार रमेश जैन श्री मेहर चंद।